तीन लोग की जख्मी की है और एक घायल है, एक की डेथ की सूचना है। जल्दी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मिली है, मैं वही मौके पे पहुंच रहा हूं। हम लोग जल्दी पहले हम लोग को पकड़ेंगे। कोटकपुरा च कतल किए गए डेरा प्रेमी दे मुलजमा दी जिथे पुलिस दे वल्लों पाल की जा रही है, उथे तुहानू दस दी कि फरीदकोट दे आईजी प्रदीप कुमार दे वल्लों लोकां नू शांति बनाई रखण दी अपील भी की गई है। प्रदीप सिंह तोदिया जिनकी दुकान यहाँ पे है, वो अपनी सुबह दुकान खोलने आए और कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। उसमें तीन लोग और घायल बताए गए हैं। श्री प्रदीप सिंह तोदिया नाल उनका सुरक्षाकर्मी था, उसे भी रिटेलिएट करने की कोशिश की, उसको भी गोली लगी है, वो भी घायल है। और इसमें हमारे पास वाइटल क्लूड्स हमें अभी मिले हैं, कुछ सीसीटीवी हमारी सारी टीमें लगातार लगी हुई है, मैं भी यहाँ मौके पे मौजूद हूँ और उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। कुछ हमें इसमें लीड्स मिली हैं, कुछ व्यक्तियों की पहचान हुई जो हमलावर है इसमें, और उस पर हम लोग लगे हैं। जल्दी ही उन हमलावरों को आइडेंटिफाई करके हम लोग उनको पकड़ेंगे। मेरी सबसे विनती है, सबसे अपील है कि आप पे टफ टाइम है पंजाब के वास्ते, सारे आप मिलके अमन शांति की अपील मैं कर रहे हैं, अब सब मिलके इस टफ टाइम में आप हैंडल करेंगे। जेडे भी बंदे पीछे हैं, जिनने भी हमला किया, जेडे भी पीछे हैं, उन सब में छेती दी फड़ के कड़ी सजा दिलावेंगे। दर्जे की इस वारदात तो बाद फरीदकोट के आई जी प्रदीप कुमार यादव ने लोगों को शांति बनाई रखने की अपील की है। इस ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने वालों सीसीटीवी के आधार से जल्द तो जल्द मुलजमान की भाल की जाएगी। इस ही उन्होंने दसिया कि कतल किए गए डेरा प्रेमी प्रदीप का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज फायरिंग का, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और साथ में तीन लोग घायल की सूचना है। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास हाथ में आए हैं, जिड़े जिस व्यक्ति की डेथ हुई उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, उसने रिटेलिएट भी किया है, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और हमें कुछ लीड्स मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी हमलावर थे उनको हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। सर, कितने लोग जख्मी और कितने मरे? तीन लोग की जख्मी की है और एक घायल है, एक की डेथ की सूचना है। श्री प्रदीप सिंह दुतिया जो है, सर प्रदीप सिंह नंबर भी नाम है। हाँ जी, हाँ, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जल्दी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मिली है, मैं वही मौके पे पहुंच रहा हूं। हम लोग जल्दी पहले हम लोग को पकड़ेंगे और सिचुएशन अंडर पीसफुल है। सर, कितनी गोलियां लगी? अभी पोस्टमार्टम में भी हम लोग करा रहे हैं, एग्जैक्ट चीज़ें हम आपको उसके बाद दसते हैं। ये भी दस दिए कि मारे गए डेरा प्रेमी तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के वालों भी इस वारदात की सख्त शब्दों के विच निंदा की गई है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब एक अमन पसंद सूबा है, इत्थे लोगों का आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है, किसी ने भी पंजाब की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबे की अमन शांति कायम रखने लिए सिविल और पुलिस अधिकारियों सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। ये भी दस दिए कि मारे गए डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी के केस में आया सी। साल 2021 तो वो जमानत उत्ते चल रहा सी, उसनू पंजाब पुलिस तो सुरक्षा भी मिली हुई सी, जिसका अज सवेरे कुछ व्यक्तियों के वलों ताबड़तोड़ फायरिंग करके कतल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।